हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कांजी स्पोर्ट्स लाइव। एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा मुंबई इंडियंस का मिनी ऑक्शन के लिए अब कितना पर्स बैलेंस बचा है और मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम किन खिलाड़ी को टारगेट करके अपनी प्लेइंग 11 चूज करने वाली है। साथ ही बताऊंगा आईपीएल 2023 के लिए मुंबई इंडियंस का नया स्पॉट क्या रहने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं, मुंबई इंडियंस की टीम इस बार मिनी ऑक्शन में 20.55 करोड़ रुपए के पर्स के साथ जाने वाली है। बात करें मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2023 में प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, तो लगभग इनकी प्लेइंग 11 कंफर्म है। काफी मजबूत टीम इस बार ये नजर आ रही है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर की इस टीम में वापसी हो चुकी है, चोट से उभर चुके हैं। वहीं जैसन बेरेंड्रोप को ये आरसीबी से ट्रेड इन पहले ही कर चुके हैं। हालांकि कायरन पोलार्ड जाने के बाद टीम को काफी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई ये मिनी ऑक्शन में करना चाहेगी। बात करें मिनी ऑक्शन में अब ये टीम किस खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहेगी, तो सेम करण एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है मिनी ऑक्शन में। हालांकि इनके पास इतना पर्स नहीं बचा कि इस खिलाड़ी को ये ले सके। बात करें इस टीम में स्पिनर्स की जरूर कमी है, तो निश्चित रूप से ये किसी भारतीय ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर को टारगेट करेगी। बात करें जगदीश सुचित जो की पहले ही मुंबई इंडियंस में खेल चुके हैं, वहीं श्रेयस गोपाल जो की रिलीज किए गए हैं राजस्थान रॉयल्स की ओर से, तो इनको भी ये निश्चित रूप से टारगेट करेगी। वहीं बात करें कायरन पोलार्ड रिप्लेसमेंट के रूप में ये टीम बेन स्टोक्स को निश्चित रूप से मिनी ऑक्शन में टारगेट करेगी, लेकिन इनके पास इतना पर्स नहीं है कि बेन स्टोक्स को ये टारगेट करेगी, क्योंकि इनके पास मात्र 20.55 करोड़ रुपए ही है। तो ये टीम चाहेगी कि दो अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स टीम में लेकर आ जाए। बात करें इनकी प्लेइंग 11 की, तो रोहित शर्मा और ईशान किशन है। वहीं नंबर 3 की यहां बात करें तो डेविड ब्रेविस या ट्रिस्टन स्टप में से किसी एक को मौका मिलने वाला है। नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। वहीं नंबर 5 तिलक वर्मा जिन्होंने पिछले सीजन काफी प्रभावित किया था। नंबर 6 की यहां बात करें तो कायरन पोलार्ड की जगह इस टीम में टीम डेविड है, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है इस खिलाड़ी ने। वहीं नंबर 9 पर यहां बात करें तो जैसन बेरेंड्रोप, 10 पर जोफ्रा आर्चर, नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह, यानी कि नंबर 7 और नंबर 8 की पोजीशन अभी खाली है, जिनको ये मिनी ऑक्शन में अच्छे स्पिनर्स को टारगेट करके इनको भरना चाहेगी।